फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय मैजिक बॉक्सेस। तो आज जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें मैं जो है, जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा, मैं अपने जो है MyGlam के जो नेल पॉलिशेस किट्स हैं वो आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ, उनका रिव्यू और उनका कलर जो है क्या, उनका कलर स्वाचेस हैं वो आपको दिखाऊंगी नेल पेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हैं नेल पॉलिशेस जो मैंने बाय की हैं, एक ये किट एंड दूसरी ये। फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही सारे सॉर्टेड कलर्स में अवेलेबल है और सभी जो सॉर्टेड कलर्स हैं उनका जो है अलग अलग नेम दिया हुआ है। जैसे ये जो आपको पॉप कलर्स दिख रहे हैं, बड़े ही ब्राइट से कलर्स, इनका नाम है हसलिन मिनी नेल किट। और ये जो पेस्टल कलर्स में हैं, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्स, इनका नाम है ड्रीमिन मिनी नेल किट। तो ये दोनों जो नेल किट्स हैं फ्रेंड्स, MyGlam कंपनी के हैं। MyGlam की पॉप एक्सो रेंज, पॉप मेकअप कलेक्शन रेंज की ये किट्स हैं दोनों ही। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है इन नेल पेंट्स का रिव्यू शेयर करती हूँ। तो इस मिनी नेल किट का नाम है हसलिन। तो चलिए, ऐसे कुछ पैकेजिंग है, इंटरेस्टिंग पैकेजिंग, पिंक पैकेजिंग दी हुई है। तो मतलब आप जो नेल पॉलिश यूज़ करके आराम से इसी में ही जो है बॉटल्स को अपने स्टोर कर सकते हो। इसका जो MRP है वो है 249 रुपीज़। लिखा हुआ है दिस जूसी सेट ऑफ 5 चिप रेजिस्टेंट बोल्ट नेल पॉलिशेज इन ट्रॉपिकल ह्यूज स्क्रीम लाउड एंड प्राउड, वेयर देम अलोन और पेयर देम टुगेदर फॉर द परफेक्ट नेल फाइल। तो इसको पेयर कर सकते हो, मतलब सभी को लगा सकते हो, सिंगल यूज कर सकते हो, तो आपके बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल नेल आर्ट रेडी हो जाएगा। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे ओपन होगा और ऐसे बॉटल्स दी हुई अंदर। तो लेट मी ओपन इट वन बाय वन। फर्स्ट कलर ये कुछ ऐसे शेड है, कुछ पिंकी शेड में है, ये डार्क पिंक। सेकंड वन इज दैट येलो नेल पेंट। थर्ड है ये ग्रीन। फोर्थ वन इज दिस वन ऑरेंज कलर। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ ताकि जो है आपको प्रॉपर जो है कलर्स का पता लग जाए। तो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, मतलब थोड़ा चलो कैमरे का फर्क पड़ता है, बट सेम वही कलर्स हैं जो आपको रिसीव होंगे। ये है डार्क पिंक। तो पिंक के दो शेड्स हैं, ये देखिए डिफरेंस आपको शायद पता लग रहा होगा दोनों पिंक शेड्स में। देखिए कुछ ऐसा है, ये डार्क में। और फ्रेंड्स, ये जो डार्क शो हो रहा था ना, ये जो लग रहा था वेबसाइट पे जहाँ से मैंने बाय किया था, वहाँ पे लग रहा था कि बिल्कुल मोव शेड है, मोव शेड, जिसको बिल्कुल जामुनी मोव शेड। तो बट वैसा नहीं है, ये मोव शेड में बिल्कुल भी नहीं है, ये डार्क पिंक ही है। मतलब ये पर्पल भी नहीं है, पर्पलिश में थोड़ी सी है, थोड़ी पर्पलिश पिंक है, बट इट्स नॉट मोव। मैं आपको जो है फोटो ऐड कर दूंगी साइड पे, तो आप भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये नहीं, ये मोव शेड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ही पिंक शेड्स ही रिसीव हो रही हैं और आई थिंक सबको यही रिसीव हो रही होंगी या पता नहीं, बट मुझे जो है दोनों पिंक ही रिसीव हुई है। इसमें कोई मोव कलर तो है नहीं जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। सो दीज आर ऑल द 5 नेल पेंट्स। तो बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, मतलब खिल के आएंगे पॉप वाले कलर्स हैं, जैसा कि नाम ही है किट का पॉप। बट ये बहुत छोटी सी है, आप देख सकते हो, नेल पेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और यहाँ पे लिखा है कि कितने नेट क्वांटिटी है, 5 × 3 ml, मतलब सिर्फ 3 ml के नेल पेंट है एक ग्लास बॉटल में। दिस जस्ट 3 ml, बट कलर्स आर रियली ब्यूटीफुल। जो कलर है, मैं नेल पेंट जो है अपने डॉटर के हैंड्स में लगा के आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नेचुरल लाइट में लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको जो है एग्जैक्ट कलर्स जो है ये नेल पेंट्स का पता लग जाए। तो ये थी पहले किट, इसका नाम है हसलिन। फ्रेंड्स, जो सेकेंड नेल किट है इसका नाम है ड्रीमिन। यू कैन सी हियर द नेम इज ड्रीमिन मिनी नेल किट। और ये बहुत ही प्यारे पेस्टल शेड्स में है, देख सकते हैं आप। अगेन जो इसका प्राइस MRP लिखा हुआ है वो है 249 रुपीज़। और अगेन ये 5 नेल पेंट्स आपको मिलेंगे ये किट में और 3 ml ईच बॉटल की जो क्वांटिटी है नेल पेंट्स की। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट है दिस वन इज दिस ग्रीन।
सेकेंड वन इज दिस ब्लू कलर, दिस वन इज येलो. आपको ये जो पेस्टल कलर्स अभी क्लियरली यहाँ पे शो नहीं होंगे, बट मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियरली जो है कलर्स का आइडिया लग जाएगा कि कैसे कलर्स हैं. दिस वन इज पिंक एंड द लास्ट वन हाँ ये है मोव शेड, देख सकते हो आप. तो इसमें ही था जो हस्कलिन वाली किट थी डार्क, उसमें ऐसे ही शेड थी डार्क में शो की हुई है, बट वो नहीं मिली. तो चलो कोई बात नहीं, बाकी भी शेड्स जो है अच्छे ही हैं जो मिली है रिप्लेसमेंट. जो पिंक डार्क पिंक सी लगती है वो भी ठीक है. और ये थे कुछ, ये हैं कुछ पांच से शेड्स इस किट में. दैट इज इस किट का नाम है ड्रीमिन. तो फ्रेंड्स मैं आपको अब फटाफट से रिव्यू दे देती हूँ. यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है चिप रेजिस्टेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स. कोई पावर पॉलिश तो है नहीं आजकल, तो इतनी एक्सपेंसिव पावर पॉलिशेस चल रही हैं, लगा लो और महीना डेढ़ महीना तो मतलब भूल जाओ, नेल पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो कहाँ किट में आप कहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि ये चिप रेजिस्टेंट होगी? बिल्कुल चिप रेजिस्टेंट नहीं है. मतलब लगाते ही आई थिंक दो घंटे के अंदर अंदर ही मतलब ये हो गई थी चिप. और मेरी बेटी भी कह रही थी, कहती नहीं मम्मा ये अच्छी नहीं है, ये तो देखो खराब सी हो गई है. मैंने कहा बेटा ये पावर पॉलिश नहीं है, पावर पॉलिश अलग से आती है, वो लगाऊंगी ना वो नहीं उतरेगी, बट ये वाली जो है ऐसे उतर जाती है. कोई बात नहीं, मैं इसको रिटच कर देती हूँ. तो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये चिप होती ही है नेल पॉलिश थोड़ा. तो ये चिप रेजिस्टेंट इन्होंने लिखा ज़रूर है, बट इट्स नॉट चिप रेजिस्टेंट. चिप हो जाएंगी, रिटच करना पड़ेगा. तो अदरवाइज अच्छी है क्वालिटी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे ही निकल जाती हैं, बट येस कहीं कहीं से वो जो निकलना है छोटे 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 पैचेस जो है शुरू हो ही जाते हैं निकलने के. और चीज़ बता दूँ, ये जो किट्स में जो है ग्रीन कलर के शेड्स हैं दोनों ही किट्स में, हस्लिंग में भी और ड्रीमिंग में भी. मैं आपको दिखाती हूँ, यह हस्लिंग का शेड ग्रीन में और ये है ड्रीमिंग किट का शेड ग्रीन में. तो फ्रेंड ये जो दोनों ही ग्रीन्स हैं ना, इनका तो जो है इतना पिगमेंटेशन जो अप्लाई करते हैं इसका जो कलर आउटपुट है इतना अच्छा नहीं है. पहले तो जो ये लगाते हैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट से रह जाती है नेल पॉलिश, प्रॉपरली अप्लाई नहीं होती है. मतलब दो तीन कोट्स करते रहो ऐसे ट्रांसपेरेंट से बीच में से रह जाएगी. बड़े थिक सी कंसिस्टेंसी है, स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी और बड़े मोटे मोटे से लगते हैं. और सबसे पहले यही चिप होते हैं, ये जो दोनों कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन पिगमेंट्स हैं दोनों ही, यही चिप होंगे. तो इनकी क्वालिटी लो लगी है मुझे, पता नहीं क्यों. बाकी सारे स्मूथली अप्लाई होती है, स्मूथ एप्लीकेशन है, मतलब इतनी जल्दी भी चिप नहीं होती. बट ये दोनों की तो एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा रफ सी एप्लीकेशन है, थिक एप्लीकेशन है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट रह जाती है, कोटिंग ज़्यादा देनी पड़ती है और रिमूव भी जो है जल्दी होती है. और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हस्लिन किट है, ये पॉप नेल पॉलिशेज वाली जो डार्क कलर्स हैं, इनको तो देखो दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इन अ सिंगल कोटिंग दे आर गुड टू गो. इनका कलर इफेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा इनका कलर आता है और एक ही एप्लीकेशन में जो है ये रिजल्ट देती है. लेकिन जो ड्रीमिंग किट है ये पेस्टल कलर्स वाली, इनको जो है दो कोटिंग्स चाहिए ही चाहिए. मतलब पर्सनली मुझे फील हुआ, मैंने अपने हैंड्स पे भी लगा के देखी थी, अपने बेटे के डॉटर के भी हैंड्स पे लगा के देखी थी और पैरों पे भी लगाई थी. तो फर्स्ट एप्लीकेशन में तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट लगती हैं, मतलब देखिए ना आप ऑलमोस्ट मतलब कलर ऐसा लाइट सा है ना, मिक्सअप सी हो जाता है. वन कोटिंग में तो इतना पता नहीं लगता कलर इफेक्ट का, लेकिन टू कोटिंग्स मिनिमम में ये जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं. मतलब अगर थ्री कोटिंग्स कर दो तो और डार्क डार्क आपको जैसे शेड चाहिए, मैक्सिमम थ्री कोटिंग्स आप कर सकते हो. मतलब जिसमें थिकनेस भी अच्छी रहे और पिगमेंटेशन जो कलर आउटपुट है वो भी अच्छी आए. बट आई थिंक टू कोटिंग्स आर इनफ और टू कोटिंग्स में जो है आउटपुट कलर का अच्छा मिल जाता है, बट वन कोटिंग में बिल्कुल नहीं मिलता. टू कोटिंग्स इसके चाहिए और इसकी जो है वन नेल कोटिंग ही इनफ है. तो बट फ्रेंड्स पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरी पर्सनल फेवरेट जो है ये वाली ड्रीमिंग ही है. जो ये पेस्टल शेड्स वाली है ना, ये जब दो कोटिंग के इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज़ अमेजिंग फ्रेंड्स. अमेजिंग रिजल्ट आता है, बहुत ही प्यारे हैंड्स लगते हैं. मे बी कैमरे में मैंने अपनी डॉटर के भी लगाई है, बहुत ज़्यादा लाइट शो हो रही हैं, कैमरे में इतना आउटपुट नहीं पता लगता. बट जो एक्चुअल में जो है रिजल्ट जो है मुझे ड्रीमिंग का जो है इससे ज़्यादा बेटर लगे. मैं ये बड़े सोबर से पेस्टल कलर्स हैं ना, तो ज़्यादा सोबर सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लुक देते हैं आपके हैंड्स को, पैरों पे भी बहुत प्यारे लगते हैं. और फ्रेंड्स ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एमआरपी है 249 ईच
और बट क्योंकि जो मैंने जो है नायका की सेल में ली थी, तो मुझे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर पड़ी थी, मतलब मुझे 125 ईच पड़ी थी। बट बिकॉज अभी सेल नहीं है तो ऑब्वियसली ये अभी इनके शायद ओरिजिनल प्राइस पे मैं देख रही थी। तो लेकिन जो आपको जो है बेस्ट बाय लिंक्स इनका जो है कम प्राइस में अगर दूसरी वेबसाइट पे मुझे मिलेगा, तो उनका जो बेस्ट बाय लिंक्स जो है मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहाँ से, आपको जहाँ से आपको बेटर लगता है प्राइस, आप वहाँ से ले सकते हैं लिंक फॉलो करके। जितने भी बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो मैं सबका दे दूंगी, नायका का भी, कोई और वेबसाइट का होगा तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको अच्छे, मतलब आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको मैं दे दूंगी, ताकि आपको जो है कम रेट पे ही, ठीक रेट पे ये जो है नेल पॉलिशेस मिल जाए। अदरवाइज मतलब 249 इंच तो कुछ एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है ना, तो अगर कम में मिल जाए तो बेस्ट है। आप ज़रूर जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक्स चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है ये नेल पॉलिशेस अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने डॉटर के हैंड्स में। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तब ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जो है जल्दी से पहुँच जाए, और मैं ऐसे ही प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो हैं आपके साथ और करती रहूँगी। तो उसे देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।